राकेश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। किस मामले को धरना चल रहा है आज? हमारी प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली सहित 16 सूत्री मांगे हैं जिसमें पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। 16 सूत्री मांगों में शिक्षक और कर्मचारियों की संयुक्त रूप से मांगे हैं और सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली ही है। धरना कब तक चलेगा? धरना आज चल रहा है और 5 तारीख को हम लोग वहाँ सरकार जगाओ अभियान का एक नारा देते हुए हम एक लोग बैठक करेंगे। कहाँ पर? लखनऊ में, और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। धरना चल रहा है, कितने लोग संगठन में आपके शामिल हैं? अब संख्या संगठन तो 22 है इसमें, अब संख्या में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, संख्या तो अब देख लीजिए आपके सामने। मैं सहिता नागेंद्र, महामंत्री उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ रायबरेली। सर, जैसा आपने क्वेश्चन किया है कि अगर केजरीवाल ने बयान दिया है, सर मुझे तो पेंशन चाहिए, मुझे पुरानी ही पेंशन चाहिए। इस देश में वही राज करेगा जो मुझे पुरानी पेंशन देगा, उसी को आगे लाएंगे, उसी वही सरकार होगी जो हमारी भावनाओं का, हमारे परिवार का, हमारी आर्थिक मजबूती हमको देगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमको देगा, हम उसी सरकार को राज करवाएंगे इस देश पर। उन्होंने कहा है प्रमोशन जो बहुत सालों से लटका पड़ा रहता है। बिल्कुल सर, मैं बता रही हूँ, हमारी जो 16-17 मांगे हैं हम उनको भी पूरी करवाएंगे। मेन हमारा मुद्दा आज का जो है ये पुरानी पेंशन का है, मुझे नई पेंशन नहीं चाहिए। एक बात बताइए जी, महिला जो आज के समय का दौर है वो कंधे से कंधे की बात करता है जी, हर आदमी जी, मगर आज भी महिलाओं का कोरोना के समय में बहुत सी महिलाओं ने अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़ दी, चाहे किसी विभाग की जी, आज वो अपनी स्थितियाँ हैं। अभी भी लगता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं एक बंदिश का दौर देख रही है। सर देखिए, परिवर्तन हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है, और आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, और हमारे आविष्कार जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो नए नए आविष्कार हुए हैं। देखिए, महिला शिक्षक संघ एक बैठा हुआ आपके सामने, ये हमारे प्रदेश का पहला संगठन है महिलाओं का, आपके सामने है, और हमारी संख्या देखिए पुरुषों से भी कहीं कम नहीं है, तो हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और हम मातृशक्तियाँ बनकर सामने आए हैं, और इस सरकार की चूल्हे जरूर हिलाएंगे और अपनी मांगे हम जरूर मनवाएंगे जी। नमस्कार, मेरा नाम नीतू वर्मा है और मैं जिला की वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ से, और मैं मंडल में भी महामंत्री का पद है मेरा, और महिला शिक्षक संघ का गठन हमारा 8 फरवरी को 2021 में हो चुका है, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना मौर्य जी हैं, जिनके दिशा निर्देशन में हमारे लगभग 70 जिलों में महिला शिक्षक संघ का गठन हो चुका है। जो पेंशन की योजना चल रही है, बहुत दिनों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी, मगर महिलाएं का कितने संगठन आपके बन चुके हैं? सर, महिला शिक्षक संघ का ये पहला ही संगठन है, मात्र एक संगठन जो हम महिलाओं का है, और 15 सालों से जो ये पेंशन की मांग चल रही है, इसमें जो सरकार का अभी ध्यान नहीं जा रहा या उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय श्रीमती प्रधान श्रीमान मोदी जी से कि उनको ये पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी के घर में खुशी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। दूसरा ये हम पूछना चाहते हैं कि पेंशन में महिलाएं और या पुरुष दोनों के यहाँ धरने तो आते हैं, मगर टीचरों की कमी क्या कारण दिखा रहा है? सर, शिक्षक, जहाँ तक शिक्षकों की बात है कमी की, तो मैं ये अपनी महिला शिक्षिकाओं के बारे में तो इतना कहना चाहूँगी कि उन्हें कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ है कि हम धरने में जाएंगे, हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा हमारे विद्यालय चेक करा दिए जाएं, और हमारे सबसे बड़ी बात उनकी समस्या यही रहती है, और भय बड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसे हम जब से हमारा संगठन बना है, जिस जो अब कम हो रहा है भय, आज महिलाएं हमारे साथ हैं, निकल के आ रही हैं। अभी आपने भय की बात की जी, महिलाओं के